ये कहानी है कांता चुड़ैल की। कांता चुड़ैल इन दिनों बहुत ही परेशान है क्योंकि उसे डायबिटीज हो गई है और इस कारण उसे बार बार बाथरूम आ रहा है। एक दिन में ही उसे सैकड़ों बार बाथरूम जाना पड़ता है। बार बार बाथरूम के कारण उसके शरीर में तो कमजोरी आ ही रही है, साथ ही लोगों का शिकार करने में भी उसे परेशानी आ रही है। एक दिन की बात है, कांता चुड़ैल जिस पेड़ पर रहती थी उसी के नीचे से मोहन और सोहन जा रहे थे। वाह, दो दो शिकार, मजा आ गया। कांता चुड़ैल पेड़ से कूदकर अचानक उन दोनों के सामने आ गई। उसे देखकर चुड़ैल, ये कहाँ से आ गई? कांता चुड़ैल ने उन दोनों को पकड़ लिया। वो उन्हें खाने ही वाली थी कि तभी उसे जोरों का बाथरूम आ गया। ओए, फिर से ये बाथरूम आ गया, दिमाग का दही कर दिया है इसने तो। कांता चुड़ैल को मजबूरी में उन दोनों को छोड़ना पड़ा। बार बार बाथरूम जाने की बीमारी के कारण कांता चुड़ैल परेशान हो गई थी। एक दिन की बात है, कांता चुड़ैल भूखी प्यासी शिकार का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी नज़र रामू और उसके नौकर राजू पर गई। रामू एक दुकानदार था जो शहर से हगीज के पैकेट खरीद कर ला रहा था। यह हगीज भी बड़ी मस्त चीज बनाई है इसे बनाने वाले लोगों ने। इसे पहन लो और आराम से सूसू करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक कहा सेठ जी, आजकल तो इसके बिना काम चलना बहुत ही मुश्किल है। हर दिन इसे खरीदने ग्राहक दुकान पर आते ही आते हैं। रामू और राजू की बातों को कांता चुड़ैल ने सुन लिया। उनकी बातों को सुनकर उसे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी। अरे, क्या ऐसी भी कोई चीज है? अगर ऐसी चीज होती है तो फिर तो मेरी सारी समस्या का हल फट से मिल जाएगा। ये सोचकर कांता चुड़ैल राजू और रामू के सामने आ गई और उन्हें पकड़ लिया। चुड़ैल को देखकर उनकी हालत पतली हो गई। चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। तुम लोग जो अभी बातें कर रहे थे वो सच है क्या? कौन सी बात? तुम लोग अभी बातें कर रहे थे ना कि एक ऐसी चीज होती है जिसे आराम से बाथरूम करो कुछ पता नहीं चलता। जी चुड़ैल जी, उसे हगीज कहते हैं, हम इन डिब्बों में उसे ही ले जा रहे थे। चुड़ैल उन डिब्बों को घूरने लगी, फिर उन्हें फाड़ा और उससे एक हगीज निकाला। अच्छा, तो ये है वो जादू चीज। ठीक है, मैं पहले इस्तेमाल करती हूँ फिर विश्वास करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल झाड़ियों में चली गई। चुड़ैल ने हगीज पहना और उसे तुरंत ही पता लग गया कि ये उसके कितने काम का है। अरे वाह, ये इंसान भी ना कभी कभी गजब की चीजें बनाते हैं। अब चाहे कितनी बार भी मुझे बाथरूम जाना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस दिन के बाद तो हगीज वाली कांता चुड़ैल का आतंक पूरे इलाके में फैल गया। वो लोगों का शिकार करती, कभी बच्चों को उठा लेती तो कभी जानवरों को। मैं हूँ हगीज वाली चुड़ैल, कभी खाती हूँ आदमी तो कभी खा जाती हूँ बैल। मैं हूँ हगीज वाली चुड़ैल। हगीज वाली चुड़ैल का आतंक इतना फैला कि कोई भी अब उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अरे नहीं नहीं भैया, शॉर्टकट से मुझे नहीं जाना। भले ही घर पहुंचने में देर हो जाए, लेकिन मैं हगीज वाली चुड़ैल के रास्ते में नहीं आऊंगा। अब लोगों ने उधर से गुजरना बंद कर दिया तो हगीज वाली चुड़ैल फिर से परेशान हो गई। अच्छा, अब इंसानों ने तय किया है कि वो इस तरफ नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, वो नहीं आएंगे तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ उनके पास। हगीज वाली चुड़ैल अब गांव चली जाती और कभी इंसान को तो कभी जानवरों को पकड़ कर ले आती और उनका स्वाद लेती। वाह वाह, क्या स्वाद था इस इंसान का, मजा आ गया। कल मैं फिर से इंसान को पकड़ कर लाऊंगी और इंसान बिरयानी खाऊंगी। बहुत दिन हो गए इंसान बिरयानी खाए हुए। हगीज वाली चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और एक समय तो ऐसा आया कि लोगों ने रात को घर से निकलना ही छोड़ दिया। लेकिन वे कब तक ऐसा करते, उन्हें घर से तो निकलना ही पड़ता। एक बार की बात है, सरजू नाम के चरवाहे ने ना तो 3 दिनों से कुछ खाया था और ना ही उसकी बकरियों ने। आज 3 दिन हो गए, ना तो मैंने कुछ खाया है और ना ही मेरी बकरियों ने। और मेरी रूपा बकरी तो गर्भवती भी है, अगर इसने खाना नहीं खाया तो ना तो मैं इसे बचा पाऊंगा और ना ही इसके बच्चे को। सरजू ने बहुत सोचा, अपनी प्यारी प्यारी बकरियों की ओर देखा और उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस हगीज वाली चुड़ैल के डर से अपनी बकरियों को भूखे नहीं मरने दूंगा। सरजू अपनी बकरियों को चराने के लिए निकल गया। हरी हरी घास देखकर उसकी बकरियां बहुत खुश थी। 3 दिनों की भूखी बकरियां घास खाने लगी। खा, जी भर कर खा, पेट भर कर खा। भगवान की कृपा से उस समय तक हगीज वाली चुड़ैल से उसका सामना नहीं हुआ था। अभी तक तो सब ठीक रहा है, भगवान करे आगे भी सब कुछ ठीक रहे, उस हगीज वाली चुड़ैल की नजर हम पर ना पड़े। बकरियों को चरा कर वो अब घर लौटने की सोच ही रहा था, तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। आसमान काले काले बादलों से भर गया, जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। ओह, ये बारिश क्यों शुरू हो गई? सोचा था कि घर निकल जाऊंगा,
सरजू अपनी बकरियों को लेकर पत्थरों की एक गुफा में छुप गया। बारिश लगातार हो रही थी, वो बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगा और उसी इंतजार में कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं लगा। उसकी आंख लगने के बाद हगीज वाली चुड़ैल पत्थरों की गुफा से बकरियों की आ रही आवाज को सुनकर वहां आई। वारी किस्मत, आज तो मजा आ गया। हगीज वाली चुड़ैल सरजू की सारी बकरियों को खा गई और खाने के बाद उसने जोर का डकार मारा। वाह, कितने दिनों बाद भरपेट खाना मिला है, मजा आ गया। इतना खा लिया कि चला भी नहीं जा रहा, लेकिन अभी तो यहाँ से जाना होगा और एक रस्सी लानी होगी। उसी रस्सी से इस इंसान को बांधूंगी और फिर कल इसे खाऊंगी। ये सोचकर चुड़ैल रस्सी लाने चली गई। कुछ देर बाद सरजू की नींद खुली और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी बकरियां तो उसके पास हैं ही नहीं। वो बहुत ही घबरा गया। अरे मेरी बकरियां कहां गई, कहां गई मेरी बकरियां? तभी उसकी नजर गुफा के बाहर अपनी बकरियों की हड्डी पर गई। उसे देखकर उसे सब कुछ समझ आ गया। हे भगवान, मुझे नींद कैसे आ गई? लगता है मेरे सो जाने के बाद वो हगीज वाली चुड़ैल आई और उसने मेरी बकरियों को मार डाला। मैं ही हूँ कसूरवार, मुझे जीने का हक नहीं है। मेरी ही गलती के कारण मेरी सारी बकरियां मर गई, अब मैं भी मर जाऊंगा। ये सोचकर रोते रोते सरजू नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन तभी जल देवता वहां प्रकट होते हैं और उसे बचाकर बाहर ले आते हैं। हे जल देवता, आपने मुझे क्यों बचा लिया? मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ। मेरी नींद के कारण मेरी मासूम बकरियों को वो हगीज वाली चुड़ैल खा गई। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं, कृपया कर मुझे मर जाने दें। सरजू, जानवरों के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी के अभी तुम्हारी सारी बकरियों को जीवित कर देता हूँ। जल देवता ने अपनी शक्तियों से सरजू की सारी बकरियों को जीवित कर दिया। तभी रस्सी लेकर वो चुड़ैल वहाँ पहुँची। वो अपनी रस्सी में उसे बांधने वाली थी कि तभी जल देवता ने अपनी शक्ति से आग की लपटें प्रकट की। अगीज वाली चुड़ैल, तुमने भोले भाले लोगों को बहुत तंग किया है, लेकिन अब नहीं, अब लोगों को तुमसे मुक्त करने का समय आ गया है। अब तुम्हें इन आग की लपटों से कोई नहीं बचा पाएगा। वो आग इतनी भयानक थी कि चुड़ैल अपनी हकीज समेत उसमें जलकर भस्म हो गई। बचाओ, अरे कोई बचाओ। उस दिन के बाद लोगों को उस हगीज वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। मिर्जापुर गांव में सरकार ने नए नए टॉयलेट बनाए थे। सभी गांववासी नए टॉयलेट बनने से काफी खुश थे, खासकर गांव की सभी महिलाएं कि अब उन्हें खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। एक रोज दो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहन, ये तो अच्छी बात है जब अपने गांव में भी टॉयलेट बन गया, नहीं तो हमें हमेशा पेट पकड़कर बाहर जाना पड़ता था, अब तो हम बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, मुझे तो आधी रात को ना जाने कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता था और रात को जंगल जाने में भी डर लगता था। कुछ ही दिनों में दोनों टॉयलेट बनकर तैयार हो जाते हैं और गांव के लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता और एक टॉयलेट तो काफी गंदा हो जाता है तो उसे बंद करना पड़ जाता है। एक दिन सुबह सुबह सभी गांव वाले अपनी अपनी बारी के इंतजार में लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तभी मोहन पेट पकड़कर वहां आ जाता है। मर गया रे, मर गया। अरे हटो हटो हटो, अरे मुझे जाने दो भाई, नहीं तो सारा मामला यहीं गड़बड़ा जाएगा। ओहो। मोहन लाइन तोड़कर टॉयलेट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे ऐसा करने नहीं देते और वो उसे रोकते हुए कहते हैं। अरे कहां जा रहा है रे तू, क्या तुझे पता नहीं कि यहां लाइन लगी है? ए, हम क्या पागल है जो सुबह जल्दी उठकर यहां आकर खड़े हैं? चल जा पीछे और लाइन में लग जा। उन दोनों की बात सुनकर मोहन डर जाता है और पीछे लाइन में लग जाता है। कुछ देर बाद लाइन में लगे लोगों को कुछ बदबू आती है और वो सभी मोहन को घूर घूर कर देखते हैं, जिस पर मोहन कहता है, अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने तो कहा ही था कि जाने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लो हो गई अब गड़बड़, मेरी तो यही निकल पड़ी। छी छी, बड़ा ही गंदा आदमी है रे तू, चल अब जल्दी से अंदर जा और खुद को साफ कर ले, जा। अब मैं क्या करूं दोस्त, कल रात को घरवाली ने आलू पूरी बनाई थी जो स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा ली, जिससे पेट खराब हो गया। फिर अपने गांव में टॉयलेट भी तो एक ही ठीक बची है ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज चुड़ैलों की बारात उस गांव से होकर गुजरती है, जिसमें से एक काली चुड़ैल को वो गांव बड़ा पसंद आता है और वो दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे वाह वाह, कितना सुंदर गांव है ये, मेरा तो देखते ही दिल आ गया इस गांव पर। चुड़ैल बहन, क्यों ना कुछ दिन हम इस गांव में गुजारे। सही कह रही हो काली चुड़ैल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
तभी उन दोनों की नजर टॉयलेट पर जाती है जिसमें से एक टॉयलेट के आगे भीड़ लगी होती है जबकि एक टॉयलेट बंद होता है। चुड़ैल बंद टॉयलेट के अंदर जाकर रहने लगती है। अगली सुबह फिर सभी गांव वाले टॉयलेट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी हरिया पेट पकड़कर वहां आता है। अरे तनिक हमको जाने दो, मुझे बहुत जोरों की लगी है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, हमेशा लाइन तोड़कर आगे घुस जाते हैं, हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, यकीन नहीं आता तो अंदर मेरे साथ चलकर देख लो। वो दोनों आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या, जो इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो, चलो अब हटो। मुखिया जी इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, आप देखो ना एक ही टॉयलेट में आखिर कितने लोग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अब आप ही कुछ करिए और दूसरे टॉयलेट को ठीक और साफ करवा दो। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं आज रात ही दो लोगों को भेजकर ये टॉयलेट साफ करवा देता हूँ। मुखिया जी के कहने पर रात को चंगू और मंगू टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। यार मंगू पता नहीं अपनी भी क्या जिंदगी है यार, दुनिया आराम से सो रही है और हम आधी रात को टॉयलेट साफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन अब ये काम पकड़ा है तो पूरा भी तो करना ही पड़ेगा ना, चलो अब अंदर चलकर टॉयलेट साफ करते हैं। इतना कहकर मंगू बंद पड़े टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो अंदर जाते ही उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है क्योंकि अंदर दो चुड़ैले खड़े होते हैं। आओ आओ हम दोनों को तुम्हारा ही इंतजार था, आओ कई दिनों से भूखी है हम। वो तो तुम्हारी सेहत को देखकर मालूम होता ही है कि कब से भूखी हो तुम। कई दिनों से हम इस टॉयलेट में बैठे थे लेकिन अब हमको भूख लगी है, अच्छा हुआ जो तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए हमारा भोजन बनने के लिए। फिर वो दोनों उन दोनों को मारकर खा जाती है और उनकी बची खुची लाश को वहीं टॉयलेट में छोड़ देती है। अगले दिन मुखिया जब उस टॉयलेट के पास आता है। कल उन दोनों बेवड़ों को एक काम दिया था, उनसे वो भी नहीं हुआ, अब लगता है कि इस काम के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। फिर मुखिया किसी और आदमी को पकड़ कर लाता है और बोलता है, भीमा आज तुझे ये सारा टॉयलेट साफ करना है और इस्तेमाल लायक बनाना है, क्योंकि जब से ये बंद हुआ है गांव के सभी लोग एक टॉयलेट के लिए मरे जा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो मुखिया जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसे अच्छे से साफ करके गांव वालों के इस्तेमाल के लिए बना दूंगा ताकि वो फिर आपस में न लड़े। फिर भीमा टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खोलता है वो जोर से चिल्लाने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, भूत भूत बचाओ। अरे ओ पागल क्या भूत भूत किया जा रहा है, हैं? जब देखो तेरी नौटंकी ही खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे ही मुखिया दरवाजे से अंदर झांक कर देखता है तो वो भी उन दोनों चुड़ैलों को देखकर हैरान रह जाता है। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ भीमा क्यों चिल्ला रहे हो। भीमा टॉयलेट की तरफ इशारा करता है। बिरजू जैसे ही टॉयलेट के अंदर झांक कर देखता है तो अंदर दो चुड़ैले उन दोनों के शरीर को खा रहे होते हैं। ये देख बिरजू की बोलती बंद हो जाती है। फिर रमेश ये नजारा चुपके से देखता है तो मुखिया से कहता है, मुखिया जी मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि ये चुड़ैले बाहर आए हमें टॉयलेट का दरवाजा फिर से बंद ही कर देना चाहिए। फिर मुखिया और रमेश जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी काली चुड़ैल अंदर से चिल्लाकर कहती है, अभी तो दरवाजा बंद कर रहे हो मुखिया, लेकिन जिस दिन हम दोनों बाहर आ गए तो हम तुम सब गांव वालों को खा जाएंगी। फिर मुखिया और गांव वाले वहां से चले जाते हैं और चौपाल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। फिर मुखिया उनसे कहता है, देखो भाइयों आज रात इस टॉयलेट में कोई नहीं जाएगा, मैं कल तक कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। फिर वो सभी गाँव वाले वहाँ चले जाते हैं। उस रात कोई भी गाँव वाला उस टॉयलेट में नहीं जाता, लेकिन गांव का एक आदमी टिंकू शराबी वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसे किसी औरत की सुरीली आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा। अरे ये कौन हसीना है जो मुझे बुला रही है, अरे जब इसकी आवाज ही इतनी प्यारी है तो वो खुद कितनी प्यारी होगी, हाय हाय आज तो सचमुच मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो शराबी टिंकू उस टॉयलेट का दरवाजा खोल देता है और तभी वो दोनों चुड़ैले टॉयलेट से बाहर आ जाती हैं। उन्हें देख टिंकू कहता है, मर गया, अरे मुझे तो लगा कोई छमिया मुझे बुला रही है, पर ये तो टॉयलेट में से चुड़ैले निकल रही है, भागो भागो। इतना कहकर टिंकू वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों चुड़ैले उसे मार कर खा जाती है। उसे खाने के बाद काली चुड़ैल पतली चुड़ैल से कहती है,
उस मुखिया ने हमें इसमें बंद किया था ना, अब तो मुझे सबसे पहले उसी का मांस चखना है। चलो अब उस मुखिया को ही ढूंढते हैं। लेकिन गांव भर में ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अगले सुबह मुखिया एक तांत्रिक को लेकर गांव में आता है। चुड़ैल वहीं चौपाल में बैठकर मुखिया का इंतजार कर रही होती है। मुखिया को देखकर काली चुड़ैल कहती है, तो आ गया तू मुखिया, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। और ये जोकर, ये कौन है तेरे साथ? ये जोकर बचाएगा क्या तुम सबको हम दोनों से? ए चुड़ैल, तू अपनी मर्जी से हमारे गांव में घुसी है, हमने तुझे आमंत्रित नहीं किया है, समझी? और रही इस तांत्रिक की बात, तो कुछ ही देर में ये तुझे तेरी औकात बता देंगे। मुखिया की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगती है। पर जैसे ही चुड़ैल तांत्रिक को छूती है तो वो जलने लग जाती है। आ, आ, अरे तांत्रिक बाबा, जब हमारी टोली यहाँ से गुजर रही थी तो गंदा टॉयलेट देखकर हम यही रुक गए थे। अगर ये गंदा ना होता तो हम आगे चले जाते। आपको तो पता ही है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ हम चुड़ैलों का वास होगा, इसलिए इसे अब हमेशा साफ रखना। इसके बाद वो तांत्रिक पतली चुड़ैल पर भी विभूति डालकर उसको भस्म कर देता है। कुछ ही देर में दोनों जलकर गायब हो जाती हैं। फिर सभी गांव वाले दूसरे टॉयलेट की भी अच्छे से सफाई करवा कर उसका भी इस्तेमाल करने लगते हैं और दोनों टॉयलेट को हमेशा साफ रखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।